हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ पनीर पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि बीच में मैं काफ़ी सारी टिप्स शेयर करूँगी कि आपको इसको कैसे खाना चाहिए ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये रहा हमारा पनीर। पनीर को आपको इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में इसे क्रम्बल कर लेना है एकदम। और अगर फ्रेश पनीर होगा तो आप इसको अपने हाथों से ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा आपको। तो मेरे पास जो पनीर था मैंने उसे कर कर रख लिया था। तो अब ये एकदम रेडी है, इसकी हम फिलिंग रेडी करते हैं। लेट्स डू इट। तो थोड़ा सा मैं डालूंगी हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली, लिटिल मोर कोरिएंडर पाउडर, एंड ये है फ्रेश कोरिएंडर, ये डालूंगी। अगर अनियन होते तो मैं वो भी डाल देती हूँ, डिपेंड्स ऑन। आज मुझे अनियन डालने का मन भी नहीं है, सो ये कोरिएंडर फ्रेश मैं पूरा का पूरा डाल दूंगी। ओह, एंड हम सॉल्ट डालना तो बिल्कुल भूल ही गए, सो आई विल ऐड दिस सॉल्ट ऑल्सो। दिस इज पिंक हिमालयन सॉल्ट, एंड ऑलवेज यू कैन टेस्ट दिस बिफोर फिलिंग इट इन टू योर पराठास। हमेशा एक बार टेस्ट कर लो क्योंकि यू कॉन्ट गो बैक अगर इसमें नमक मिर्ची या मसाले कम हुए तो। एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट। आप कुछ भी डाल सकते हैं लिटरली, एंड दैट इज़ वाई मैं इतने टाइम बाद ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज आई थॉट दैट इट्स प्रिटी ईजी एंड एवरी वन नोज हाउ टू मेक इट। लेकिन मुझे अभी तक रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो आई थॉट दैट आई विल जस्ट शो यू एनी वेज कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, अब इसको बस टेस्ट करना है थोड़ा सा। एंड I'll just keep it aside, को ढक कर रख देते हैं और उतने में मैं आटा मार लूँगी। सो ये मैंने इतना आटा लिया है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर देती हूँ, तो ये बेसन ऐड हो गया। Now I'll add अजवाइन। सो ये हमारा आटा रहा, अब इसको बस मारना है मिक्स कर कर, जैसे आप नॉर्मली आटा मारते हो। सो ये जो हमारा आटा है इट्स ऑल्सो रेडी। तो अब हम बनाते हैं पराठे, लेट्स डू इट। ऑल राइट, तो आप जैसे रोटी को बेलते हैं ना वैसे ही एग्जैक्टली आपको इसको बेलना है, कोई डिफरेंट इसमें रूल नहीं है। बिल्कुल प्लेन जैसे आप रोटी बनाते हैं, मेक टू डिफरेंट रोटीज, ठीक है। जब आप दो रोटियां बना लें तो बीच में हमें बस उसमें फिलिंग ऐड करनी है जो हमने फिलिंग बनाई थी पनीर की। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आप उसको देख लो, उस तरीके से आपको बस ऐड करना है। नाउ हफ्ते में मैं एक बार ये बनाती हूँ पनीर पराठा, एंड जैसे आप देख रहे हो अच्छी खासी फिलिंग है, सो इट्स गोइंग टू रियली कीप यू फुल फॉर लॉन्ग। और ऐसे बस चिपका देना है हाथ से, कुछ भी और यूज़ नहीं करना है, एंड देन बेलन से उसको इवन आउट कर देना है हमारा। और अब बस मैं गैस पर रख दूँगी इसको तवे में, एंड जैसे आप देख रहे हो कोई एकदम परफेक्ट शेप का नहीं है, बिकॉज मेरे से तो ऐसा ही बनता है। सो आई जस्ट थॉट कि आई विल जस्ट शो यू द रियलिटी कि मैं कैसे बनाती हूँ। एंड देन फिर ये घी है और इसको मैं ऐड कर देती हूँ हाफ हाफ टीस्पून के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो घी की चम्मच मेरी छोटी है, तो हाफ हाफ टीस्पून के हिसाब से मैं ऐड करती हूँ। तो 1 टीस्पून मैं पूरा ऐड करती हूँ, अच्छे से घी में बनाती हूँ। फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो फैट्स को आपको ये नहीं करना है कि आप अवॉइड करें, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा पराठा भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, दिस टाइम आई एम गोइंग ऑल देसी और देसी तरीके से बिल्कुल हाथ से ही फिल कर रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि जब हम हाथ से फिल करते हैं तो डेफिनेटली और अच्छे से फिल होता है। एंड जैसे आप देख रहे हो ये पराठा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना है, सो ये पराठे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। नाउ द ट्रिक हियर इज़ कि आप इसको खाओ, बिल्कुल खाओ, मज़े से खाओ, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि आप इसको पूरा मत खाओ, ठीक है। और आप इसके साथ कर्ड ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में अगर आप ले रहे हैं तो, या फिर किसी भी तरीके की चटनी ले सकते हैं थोड़ा सा, या फिर अचार ले सकते हैं। और इसके साथ आपको कोई सब्ज़ी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी में पनीर भरा है। तो इसमें कार्ब्स भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, एंड हेल्दी फैट्स भी हो गया, लेकिन बस इसको ओवर ईट मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हाई इन कैलोरीज तो ये होता ही है। सो मेक श्योर आप इसको ओवर ईट ना करें, बिकॉज इट्स क्वाइट ह्यूज। तो मैं इसका हाफ खा लेती हूँ, ठीक है, एंड हाफ माई हस्बैंड ईट्स,
सो दैट इज़ हाउ वी बोथ शेयर इट टुगेदर. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. इस तरीके से आप कट कर लो जिससे कि कोई भी ज़्यादा ओवर ईट ना कर पाए. ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में इसको, एंड जस्ट इंजॉय इट. अभी टेस्ट चल रहा है, हर्ष इज टेस्टिंग. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली? सीरियसली, क्योंकि जो इसकी स्टफिंग है ना, मतलब दो लेयर्स के बीच में इट्स अच्छी थिक स्टफिंग है, काफ़ी सारा डला हुआ है उसमें. वो स्टफिंग बहुत अच्छी है, रियली नाइस। और नमक वगैरह सब सही है, स्पाइसेस एंड ऑल? एंड सब सही है। अनायशा जस्ट अभी सोकर उठी है. माय कुकी दिस एक्चुअली लुक्स वेरी डिलीशियस. इट इज डिलीशियस। सक्सेसफुल, 10 आउट ऑफ 10 out of 10, ओ माय गुडनेस. इट्स वेरी नाइस।